हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हेवी क्लासेस। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 10th का जो अब बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो 26 या 28 फरवरी से है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं। इसमें जो हम लोगों ने दो थ्योरम दिया है, ठीक है, दो थ्योरम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके वीडियो बना रहे हैं कि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो अब अभी आपको घर में मोबाइल छूने को भी नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है, तो इसलिए छोटा वीडियो है, तो आप जल्दी से देख भी सकते हो, ठीक है। और ये जो दो थ्योरम है, आप 1990 से लेके 2019 तक की वीडियो पेपर का अगर आपका सेट होगा, या मार्केट में आप 10 साल 20 साल का प्रीवियस ईयर पेपर लिए होगा, तो उसमें ये दोनों में से कोई एक थ्योरम आना ही आना है, ठीक है। एक थ्योरम और है मेरे को, अभी वो मैं डाल नहीं पाया हूँ, मैं उसको भी डाल दूंगा, ठीक है। सेम चैप्टर का है ये, जो दो थ्योरम है ये ट्रायंगल चैप्टर का है। ट्रायंगल चैप्टर से ये चीज़ आता ही आता है, तो आप इसको स्टार पॉइंट बना के 10 बार 15 बार 20 बार रिवीजन कर जाओ, ठीक है, कि कहीं से भी ये थ्योरम छूट ना पाए, ठीक। ज़्यादा आपका आपका टाइम नहीं बर्बाद करता हूँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला थ्योरम है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ते थे कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। इस बार उसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ गिवन दिया हुआ है, ठीक। गिवन क्या दिया हुआ, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमको दिया हुआ है ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमको क्या प्रूफ करना है, जो हमारी ये ट्रायंगल फिगर बनाया मैंने, ए बी ए बी सी और ए सी, ठीक। तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल है, हमको ये दिखाना है। फिर आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन पोर्शन में। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए डी, परपेंडिकुलर ए डी हमने ड्रॉ किया है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं प्रूफ, प्रूफ का पोर्शन। अगर आप सही सही गिवेन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन तक के पोर्शन को लिखते हैं, आपका एक नंबर सिक्योर हो जाता है, ठीक है। हम लोग का स्टेप मार्किंग है, आपको पता है। और ये क्वेश्चन मिनिमम 3 नंबर में स्टैंडर्ड वालों के लिए और बेसिक वालों के लिए ये 4 से 5 नंबर तक के ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, ठीक है। तो इसमें प्रूफ वाले में क्या करेंगे, प्रूफ वाले में हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल है ए बी सी, पहला ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी और बी डी सी। ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा बी डी सी ट्रायंगल ले लेंगे। फिर इसमें हम लोग सिमेट्री दिखाएंगे कि एंगल बी जो है, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी और छोटे वाले का बी डी सी, दोनों 90 डिग्री है, ठीक। और बीच का एक कॉमन एंगल है सी सी, सी सी जो है वो कॉमन एंगल है। तो इससे एंगल एंगल क्राइटेरिया का, सिमिलरिटी के एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हम लोगों ने बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी अपन बी सी और छोटे वाले ट्रायंगल का बी सी अपन डी सी इक्वल होगा, ये इक्वेशन 1 बना के हमने इसको छोड़ दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन 1 बनाया। फिर यहाँ पे बी सी और बी सी को क्या किया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, तो आ गया बी सी स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे तो ए सी इंटू डी सी आ गया, ठीक। फिर दूसरा हम लोग फिर ट्रायंगल लेंगे ए बी सी और ए डी बी, बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी और फिर ए डी बी छोटा वाला ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। और इसमें फिर से एंगल एंगल ए जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए ये एंगल ए कॉमन कर दिया। फिर जो 90 वाला पोर्शन था ए बी सी, बड़े वाला ट्रायंगल का ए बी सी और छोटे वाला ट्रायंगल का ए डी सी, छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी बी, ये दोनों 90-90 हैं। तो फिर एंगल एंगल क्राइटेरिया से यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे आपको लिखना होगा एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से इसको हम लोग शो करेंगे सिमिलैरिटी। फिर सिमिलैरिटी है तो इन इनके रिस्पेक्टिव रेशियो फिर इक्वल होंगे। इस बार क्या रेशियो होगा, ए बी इन ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर बनाएंगे
और यहाँ पे एडियंस यू एसी रहेगा। दोस्तों अगर आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे ट्रिक ये है, एक मिनट, यहाँ पे ट्रिक की तरह के तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये चीज़ दिया हुआ है, ये एंगल वन, या यहाँ पे जो हम लोग बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी किए हैं, और दूसरा ये वाला पोर्सन, ठीक, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये दोनों आप रट लो, ठीक है। और इन्हीं दोनों के यहाँ पे देखो बी सी स्क्वायर है या ए बी स्क्वायर है, दोनों को सम कर देंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे इस लाइन में, इस लाइन में एक स्टेटमेंट लिखना है आपको, क्या कि सम ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ इक्वेशन टू एंड थ्री, जब ये लिखेंगे तो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें ऐसा आएगा तो फिर क्या करेंगे, ये हमारा जो राइट साइड था, इसका राइट साइड क्या था, ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी, और इसका राइट साइड ए डी इंटू ए सी, दोनों में से ए सी कॉमन करेंगे और ए डी प्लस डी सी आ जाएगा। अब देखिए ए डी और डी सी क्या है, यहाँ पे देखेंगे ए डी, ए डी ये है और डी सी ये है, दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ठीक है। दोनों को सम करेंगे तो ए सी आ जाएगा, यहाँ पे भी हमने ए सी लिख दिया, ए सी इंटू ए सी, ए सी का स्क्वायर लिख दिया, इससे ये क्या हो गया, ये चीज़ क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, ये चीज़ प्रूफ हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है, ये थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपको तीन तरीके से पूछ सकता है। पहला जो ये पूछ सकता है, ये बोल सकता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताइए, ठीक है। दूसरा बोल सकता है थेल्स थ्योरम बताइए, और तीसरा ये पूरा स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ये पूरा स्टेटमेंट दे सकता है, इन ए ट्रायंगल वन लाइन इज ड्रॉन टू पैरेलल टू एनी वन साइड टू द ट्रायंगल, देन दिस लाइन डिवाइड द रिमेनिंग टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। आपको ये तीन तरीके से पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थेल्स थ्योरम के नाम से आता है। आपके आप जहाँ भी स्कूल में पढ़ते होंगे या कोचिंग में पढ़ते होंगे, वहाँ पे ये चीज़ आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी एक बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे, और इसमें बीच में एक डी सी लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये जो डी सी लाइन होगा, ये बी सी लाइन के पैरेलल होगा, ठीक। फिर यहाँ पे इतना करके ये गिवन पोर्शन में चला जाएगा, गिवन ट्रायंगल ए बी सी में डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। हमको प्रूफ क्या करना है, जो ये ए डी है, ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन में जाएगा। कंस्ट्रक्शन से क्या करते हैं हम लोग कि ई एम परपेंडिकुलर टू ई डी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ई एम परपेंडिकुलर टू ई डी। और एक और हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है, जिस स्टूडेंट कॉपी है उसने ये लिखा नहीं है, यहाँ पे डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई भी लिखेंगे, ठीक है, डी एम डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई। इस साइड पे भी तो इसने इस साइड पे भी तो उसने ड्रॉ किया है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं ई बी एंड ई बी और सी डी को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, ये तीनों पॉइंट लिखते ही आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई, ये छोटे वाले जो ऊपर ट्रायंगल है ए डी ई को ले रहे हैं, उसमें ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या होगा, ए डी, और हाइट क्या होगा, ई एम होगा, ठीक है। इसी तरह एक और ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल है बी डी ई, बी डी ई, ये छोटा वाला ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना के दिखाना चाहूँगा, ये और ये कौन सा है, बी डी ई ट्रायंगल है, ठीक है। ये दोनों, ये ट्रायंगल को लेके इसकी एरिया क्या होगी, वन बाई टू बी ई, यहाँ पे बी वन बाई टू बी डी, यहाँ पे इसने गलत लिखा, बी डी यहाँ पे होगा, बी डी इंटू ई एम होगा, ठीक,
बी डी इंटू ई एम हो जाएगा और 1/2 होगा। ये बी डी जो है बेस है और इसका परपेंडिकुलर जो है इस ट्रेंगल से बाहर आ रहा है ई एम, ठीक है, इसलिए ये बी डी इंटू ई एम किए। फिर इसके बाद इक्वेशन वन में इक्वेशन टू से क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एम से ई एम कट जाएगा, ए डी अपॉन यहाँ पे बी ई नहीं बी डी आना चाहिए, ठीक है, ए डी अपॉन बी डी आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह सिमिलरली हम लोग करते हैं, हम लोगों ने इस बार इस साइड का हम लोग क्लियर कर लिया, अब इस साइड की बारी, ठीक है, इस साइड के लिए करते हैं। फिर ट्रायंगल लेते हैं ए डी ई, ए डी ई में हमारा ए ई बेस होगा और डी एन परपेंडिकुलर होगा। एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे डी ई सी, उसमें ई सी बेस होगा, ई सी हमारा बेस होगा और डी एन फिर से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिया ए डी ई और ई सी डी लिया, तो यह ए 1/2 ई एन इंटू डी एन, ई 1/2 ए ई इंटू डी एन और दूसरा 1/2 ई सी अप इंटू डी एन। फिर यहाँ पे तीन और चार और पांच इक्वेशन बनाया और दोनों को डिवाइड किया, तो डिवाइड करेगा तो आएगा ए डी ई अपॉन ट्रायंगल ई सी ई डी सी और यहाँ पे जो 1/2 से 1/2 कटेगा, डी एन से डी एन कटेगा, ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा। फिर हमको यहाँ पे एक हम लोग क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये डी सी और बी सी क्या है, सेम बेस है और इस पे एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो इस बेस पे और ये और ये जो पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन के बीच में जो दो ट्रायंगल होगी इनकी एरिया सेम होगी, ठीक है। इसी थ्योरम से हम लोग दिखा देंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ बी डी और एरिया ऑफ ई सी डी ई डी सी इक्वल होगी ऑन सेम बेस रूल से, तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा, इसको एक्स मान लिया उन्होंने और ए डी ई अपॉन एक्स इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी और ए डी ई अपॉन एक्स इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ से देखिए इस दोनों का लेफ्ट पोर्शन इक्वल हो गया तो राइट पोर्शन भी इक्वल होगा, इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया और ये हम यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख देंगे। इतना आप करेंगे तो बेसिक वाले के लिए ये 2 से 3 नंबर क्वेश्चन हो सकते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड वालों के लिए ये 2 से 3 नंबर क्वेश्चन हो सकते हैं, पर बेसिक वाले के लिए यही चीज़ 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक के भी क्वेश्चन में डाला जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग ज़रूर लगाइएगा और अगर कुछ डाउट हो तो हमको बताइएगा, हम इसी तरह आपको छोटे छोटे वीडियो बना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपको साइंस के हो सकते हैं या मैथ के हो सकते हैं वो हम आपको कंटिन्यूसली देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू दोस्तों।